वेलकम बैक टू साइको साइकोसूत्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे साइको साइकोसूत्रा पर और जैसे कि साइको साइकोसूत्रा है चैनल का नाम ये मैंने नया नया अभी चैनल बनाया है एंड द पर्पज़ ऑफ़ दिस चैनल इज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन कि आपको अच्छे से सबको समझ में आए और साइकोलॉजी को और हम बढ़ावा दे सकें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ठीक है इन आवर डेली लाइफ ओके सो so, आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक जो कि है इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने आई uh, देखा है वैसे ही एक ई होता है एस भी होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन सो इंटेलिजेंस तो हमको पता है कि कोई इंसान इंटेलिजेंट होता है मतलब वो उसकी रीजनिंग अच्छी होगी एक्सपेक्ट थिंकिंग अच्छी होगी और वो मैथ्स में अच्छा हुआ किसी पर्टिकुलर मार्क्स को देख के किसी बच्चे के हम कह सकते हैं कि अगर इसके नाइन्टी परसेंट आ रहे हैं नाइन्टी एट परसेंट आ रहे हैं या नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन परसेंट आ रहे हैं इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है ठीक है लेकिन क्या इंटेलिजेंट इंसान क्या जिसके पास आई क्यू ज़्यादा है क्या वो इमोशनल इंटेलिजेंट भी हो सकता है जिसके पास आई है क्या उसके पास ई भी हो सकता है और क्या जिसके पास ई है आई भी हो सकता है डिफ्रेंस क्या है आखिर इंटेलिजेंस और इमोशनल में ये काफ़ी एक ऑक्जीमोरोन टर्म से भी इसको रिलेट किया जाता है कि जब इंटेलिजेंट में इमोशनल आ गया तो ये तो फिर रहा कहाँ इंटेलिजेंट है ना इंटेलिजेंस रही कहाँ जब इंटेलिजेंस में भी आपने इमोशनल जोड़ दिया तो ये होता क्या इमोशनल इंटेलिजेंस तो ऐसा नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इनफैक्ट मैं तो कहूँगी ज़्यादा मैटर करती है आई से डैनियल uh, गोलमेल की एक बुक भी मैंने पढ़ी हुई है इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें पहला ही uh, उसके बुक कवर पर ही लिखा है कि क्यों आई से ज़्यादा ई की ज़रूरत होती है ठीक है और हम इसमें देखेंगे देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में हम पढ़ेंगे आ, देख लेते पॉजिटिव साइकोलॉजी तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे पास पॉजिटिव साइकोलॉजी से ही मैंने नोट्स बनाए हैं वही उसी से मैं आपको पढ़ाऊँगी आप अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करूँगी आप सभी को पढ़ना चाहिए पॉजिटिव साइकोलॉजी सो so, अगर आपको ये वाला मनोविज्ञान पढ़ना है तो देखिए मेरे पास बुक है सीयर स्नाइडर जेल जेलोपेस और जेनिफर टेरामोटो पेड्रोटी की ठीक है आ, हम देखेंगे सेल सैलोवेन मेयर के ने क्या बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और इम्पॉर्टेंट नेम है पॉजिटिव साइकोलॉजी में स्पेशली इन इंटेलिजेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस में तो पहले उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन फिर इसके बारे में थोड़ा पास्ट का देखेंगे इनिशंट में इन सब में एंटीपैथी अपैथी कम एम्पैथी और कम्पेशन क्या होता है इन सब में क्या डिफरेंस है जो कि लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में हम बातचीत किया जाएगा बातचीत करेंगे इसके बाद हम कुछ मॉडल्स देखेंगे ये मेरे खुद के नोट्स हैं और मैं चाहूँगी कि इन्हीं नोट से मैं आपको पढ़ाऊँ क्योंकि ये बुक से बने हुए हैं और बने हुए हैं और ये ओरिजिनल है सो so आपको ज़्यादा अच्छे नोट्स प्रोवाइड होंगे इससे ठीक है फिर हम कुछ एबिलिटी मॉडल पढ़ें कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे जिसमें पहले है एबिलिटी मॉडल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे फिर ट्रेट मॉडल पढ़ेंगे फिर मिक्स मॉडल पढ़ेंगे जिसको बारोन मॉडल भी कहते हैं बैरॉन और या नॉन कोपनेटिव मॉडल भी कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे गोलमेल गोल, गोल का डे डॉक्ट द डेनियल गोलमैन का मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे इसको भी समझेंगे फिर एवल्स रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है वो देखेंगे फिर बाहरों की एक इन्वेंट्री थी इमोशनल क्वेश्चन उस उसको भी चर्चा करेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल इंटेलिजेंस भी देखेंगे हम कि क्या क्या फैक्टर्स है जो इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है फिर जिसका आईक्यू जिसका ईक्यू लो है और जिसका ईक्यू हाई है वो पर्सन कैसा होगा उसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो पढ़ेंगे हम और फिर नीचे मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं ठीक है इन सबको भी हम साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे ये बुक्स हैं और इन सबको हम एक बार रीड आउट कर लेंगे पहले जो मैंने ऊपर पी डी एफ वही सारे हम पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर हम इसको रीड आउट करेंगे मैंने इन्हीं सबको ऊपर एक्सप्लेन किया है तो चलिए यह था इंट्रोडक्टरी पार्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का अगले में हम इसको स्टार्ट करेंगे ठीक है सो और आई मस्ट रिकमेंड कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छे से पढ़ें और पॉजिटिव साइकोलॉजी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय